जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जुटी रहेगी। किसानों को आगे बढ़ाने का काम, आदिवासियों को सशक्त बनाने का काम करेगी। देखिए, जब आप कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में लाएंगे तो दशकों बाद आप ऐसी सरकार देखेंगे जो आपके हित में काम करेगी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए सोनभद्र के ओबरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और जनजातियों के लोगों को जो अधिकार जंगल के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिए थे वो अब लोगों को नहीं मिल रहा है। बुलडोजर से आपको आपकी जमीन से हटाया जाता है। उम्भा में मैंने देखा था कि पुलिस प्रशासन और माफिया सब मिलकर जमीन छीनने का काम कर रहे थे, लोगों का नरसंहार किया। पीड़ितों की मदद के बजाय पुलिस और प्रशासन माफियाओं की मदद कर रहा था। जंगल पर जो अधिकार दिए गए थे कांग्रेस की सरकारों ने दिए, लेकिन आज आपका हक रहा नहीं। आज जैसे रामराज जी ने कहा, बुलडोजर से आपको हटाया जाता है आप ही की जमीन से, जहां आप पुश्तों से रह रहे हैं। जो जमीन आपकी हक है वो आपकी है। मैंने यहाँ खुद देखा, जब उम्भा में नरसंहार हुआ तभी मैं रामराज जी से मिली थी। उस समय पुलिस प्रशासन और जो भूमाफिया थी सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। किसानों आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो उनकी मदद करने के बजाय, उनकी रक्षा करने के बजाय, पुलिस प्रशासन और भूमाफिया जुड़कर मिलकर उनको प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस तो आई ही नहीं जब वो नरसंहार हुआ, और अपनी ट्रैक्टर ला के, अपनी बंदूकें ला के, लाठियां ला कर खुलेआम दिन दहाड़े आदिवासियों को मारा गया। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि आपको अपना वोट सोच समझकर बड़ी जिम्मेदारी से देना होगा। आप जब कांग्रेस की सरकार दशकों के बाद देखेंगे तो आपके समाधान के लिए दिन रात जुटी रहेगी। महंगाई कम करने का काम करेंगे, आपको सशक्त बनाने का काम करेंगे। वो सभी काम सरकार करेगी जो आज तक अधूरे पड़े हुए हैं। आपको अपना वोट एकदम जिम्मेदारी से देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, रामराज गोंड जी जैसे, बसंती पनिका जैसे, कमलेश ओझा जी जैसे, जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हों, और बिंदेश्वरी जी भी जो घोरावल से लड़ रही हैं। देखिए, जब आप कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में लाएंगे तो दशकों बाद आप ऐसी सरकार देखेंगे जो आपके हित में काम करेगी, जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जुटी रहेगी, और आप ही के विकास का काम, आपको आगे बढ़ाने का काम, आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का काम, आपको रोजगार दिलवाने का काम, आपके लिए महंगाई कम करने का काम, किसानों को आगे बढ़ाने का काम, आदिवासियों को सशक्त बनाने का काम करेगी। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप पोलिंग के दिन बहुत समझदारी से, सोच समझ के अपना वोट देकर हमारे प्रत्याशियों को जिताएं और कांग्रेस पार्टी की एक सरकार उत्तर प्रदेश में लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएमडी खबर।